सिंगरौली में प्लांटेशन के नाम पर राशि का दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को मजदूरी का कम भुगतान किया गया और राशि हड़प ली गई। मोरवा के पेड़ताली व कुशवई में DMF मद की राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जिसमें रसूखदार व्यक्तियों के खाते में पैसे जाने, मजदूरों को मजदूरी कम भुगतान करने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि प्लांटेशन में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने भी बताया था कि मजदूरों को पैसे सीधे हाथ में दिए गए, जिसमें मजदूरी भी कम दी गई, जबकि नियम ये है कि काम कर रहे मजदूरों का भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया जाए, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और वन मंडल अधिकारी विजय सिंह ने जांच कराए जाने की बात कही है। ये मामला भी पूरी तरीके से जो है आपने हमने संज्ञान में लाया है, अभी इसकी विस्तृत जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है और विस्तृत जानकारी एकत्रित करके और उसमें क्या कि अगर क्या कार्रवाई हुई है और अगर कुछ उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। अभी SG साहब को जांच दिया है, उसको उनको 15 दिन का जवाब दिया गया था और अभी उनके द्वारा जांच का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। जैसे ही जांच का रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो आपको इसको सूचित कर देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।